मुंबई के देसलपुर में इन दिनों मनपा चुनाव की तैयारियों के चलते कई राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी प्रतिष्ठा के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। जहां वार्ड क्रमांक 3 में सभी मंडलों ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिनमें सभी लोगों ने विकास को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। दरअसल समाज सेवक चौधरी प्रसाद गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव गाँव का है तो उम्मीदवार भी गाँव का होना चाहिए, तभी गाँव का विकास होगा। पेश हमारे मुंबई की संवाददाता की खास रिपोर्ट। सर, हमारा कार्यक्रम आयोजित करने का मकसद ये था कि केतकी पाड़ा धारखाड़ी जो एरिया है, यहाँ पर अभी तक इतनी समस्याएं हैं कि हम लोग को लग नहीं रहा है कि हम लोग 2017 में हैं। हमको लगता है हम 1817 में हैं, क्योंकि आज गांव-गांव में वाईफाई लग चुका है, लेकिन हमारी महिलाएं अभी भी पानी भर रही हैं। एक एक नल पर 20-20 लोग नंबर लगा के पानी भरते हैं। एक घंटा पानी छोड़ा जाता है, जिसमें एक महिला एक जगह से पानी उठा कर तकरीबन 600 से 500 मीटर एरिया तय करती है। जब तक उसका दूसरा नंबर आता है, पानी चला जाता है। सब जगह विकास है, विकास है, विकास है, लेकिन हमारे इधर कोई विकास नहीं है। साहब, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो धारकड़ी है, वन विभाग डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वोटिंग होता है, हमारे वोट से नगर सेवक चुना जाता है, फिर भी ये वन विभाग है और उसको इतना पावर होता है कि वो नगर सेवक रहे। हमारे वोट से MLA चुना जाता है, उसको इतना पावर रहता है कि वो MLA रहे। जब हमारा वोट वैलिड है तो हमारे जो घर है वो वैलिड नहीं है। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है, अब मैं सत्य बोलूँ तो ये अपना गांव अपना आदर्श, जो कार्यकर्ता टीम हमारा करते हुए कि गांव को एक साथ लेके अच्छा काम करे और लोगों को कुछ तो दिखाए। और उसका कारण कि महानगर पालिका इलेक्शन आ रहा है, तो भी इलेक्शन को बाजू में रख के सभी नेताओं को एक जगह पर बिठा के मेरे गांव का विकास आप कैसे करोगे, कितने झूठ बोलने वाले हो, कितने सच बोलने वाले हो, और इस गांव का सही में विकास होगा क्या झूठ होगा, क्या आश्वासन देके चले जाएंगे सिर्फ लाली पाप दे करके। जैसे हर नेता एक दूसरे के लिए झगड़े कर रहे हैं, लेकिन बाद में एक ही सीट पे आके एक ही जगह पे आके अपने अपनी जगह पे। तो हमारा कहना कि ये मेरे गाँव के लोग है, अपने लोग है, ये सही में लड़ने वाले ये लोग है जो आज पीछे बैठे हम आगे बैठे, यही लोग हैं आज गाँव के लिए लड़ने वाले। लेकिन कभी कभी इलेक्शन आ जाता है तो लोग बहकाव में आ जाते हैं और बहकाव में आके उनका गलत निर्णय होता है और गलत आदमी चुन के जाने से वैसे मेरे गांव का विकास होता नहीं है। इसलिए एक संधि मिली है मेरे गांव मेरा, इसी तरफ से मैं विनती करता हूँ कि अपने गांव का सही में जो वन खाता है, जितना बड़ी समस्या हमारे इधर एल्कॉन की समस्या थी, बड़ी बड़ी समस्या थी, इसके बारे में आवाज़ उठाया नहीं हमने, वो भी बंद किया, क्योंकि मेरे गाँव का प्रश्न था। मैं गाँव का एक सामान्य कार्यकर्ता, एक एल्कॉन कंपनी बंद कर सकता हूँ, फॉरेस्ट के लिए हमारे लोग आंदोलन कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ इसमें का जो इंसान जो आगे चल के चुन के आ सकता है और आगा आएगा भी, ऐसी मैं शुभेच्छा देता हूँ। और इस तरफ से आप इस सभी को, ये मेरा गांव की तरफ से, केतकी पड़ा रहवासी की तरफ से भी, लेकिन आपको सबको मीडिया को भी शुभेच्छा देता हूँ। आप हमारे गाँव के बारे में हमेशा अच्छी अच्छी खबरें देती रहिए और एक गाँव शुक्रिया से इसमें आ जाए लोगों के नज़र में, और इस गांव की भलाई के लिए मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप भी हमें सहकारी कीजिए। बस जो सबसे बड़ा मुद्दा है वन विभाग का, हमें हमारी बस्ती ऐसी है कि जहाँ खुद बोलते हैं कि हमको लाइट पानी नहीं रहेगी चलेगा, लेकिन हमको यहाँ सूखी रोटी खा के भी हमको झोपड़े में रहने दो। कई आदिवासी यहाँ पे ऐसे जो आज लगभग 50 साल से रहते, 60 साल से रहते, लेकिन आज तक उन लोगों के पास कोई पुरावा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी बात, बाथरूम के लिए अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं जो कि घर घर बाथरूम बनाओ, हर जगह पर घर बाथरूम बनाओ, लेकिन अभी भी केतकी पाड़ा जैसे ऐसे इलाका है जो वन विभाग में, जहाँ चाह के भी प्रकाश पुजारी दादा हो चाहे कोई भी हो, सूर्य दादा भी चाह के भी बाथरूम नहीं बना सकते, और हमारे जो माँ बहन है उनको खुले में जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें, हम चाहते हैं कि मोदी जी से आह्वान करते कि जो ये मुंबई की लगभग ये सबसे जूनी बस्ती है, शायद इससे जूनी बस्ती पूरे धारगाड़ी केतकी पाड़े में कोई नहीं है। हम लोग यहाँ 1964 से, हम लोग की ये पाँचवीं पीढ़ी है, और हमें आज तक मतलब ये जो फॉरेस्ट का जो मुद्दा है जो 15-20 साल से हुआ है, ये मुद्दा हमें यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचाना है। मैं सब भाई, जितने भी हमारे जो आयोग के आयोजक भाई है, उनसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग सबको मिल के और ये मुद्दा दिल्ली तक प्रधान तक पहुंचाना चाहिए। वो किस तरह से पहुंचाना है वो उसके बारे में हम सोचेंगे। जो हमारे पुरावे 1964 से जो वन विभाग में नहीं था उसको जो कि बाद में प्राइवेट फॉरेस्ट करके डाला गया, इसके बारे में हम सोचेंगे और सब मिलके पूरा गांव मिलके इसका हल निकालेंगे। हमें लाइट पानी नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन सूखी रोटी खा के जीने दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भलाई की बातें करना है कि सामने इलेक्शन है और उसमें अगर बंदा झूठ नहीं बोले तो जीतेगा नहीं, तो ये सारा चक्कर है। तो कई लोग तो पुल बांध देते हैं और कोई लोग कुछ कुछ थमा के भी चले जाएंगे, तो लेकिन सोचना गांव वालों को है और हमारे इस समर्पित
जो आज कार्यक्रम किया है इनको सोचना है कि किसी आदर्श गांव को बनाने में कितना बढ़िया रोल किसी गांव के व्यक्ति का होगा, वो उनका काम है। नहीं, आज के कार्यक्रम का तो पूरा इशारा वही था कि इस गांव को आदर्श बनाने के लिए आदर्श गांव के किसी व्यक्ति को लाना है, और इन सारे कार्यकर्ताओं का और सारे जनता का ये एक सीधा सीधा आपके माध्यम से प्रचार है कि गांव, किसी भी गांव को आदर्श बनाना तो गांव के व्यक्ति को लाना पड़ेगा। ये बातें तो होती है, लेकिन अच्छे उम्मीदवार की पहचान लोग कर लेंगे जो यहां पे लगा हुआ है और सालों से काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है और उनके दिल में समाज सेवा की भावना है, ऐसे व्यक्ति को अगर लाते हैं। नहीं तो क्या होता है, इलेक्शन आया तो बहुत से वार्ड ओपन होने के बाद मैंने देखा कई लोग तो बैनर मार दिए हार्दिक शुभेच्छा और बोलते हैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो सेवा नहीं है उनका, अभ्यास नहीं है। और महानगर पालिका में जाने के बाद उनको बोलना है, हर विषय में अभ्यास होगा तो बोलेंगे, सिर्फ इलेक्शन लड़ने से और जीत जाने से कोई काम नहीं होगा।